नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आप सब जानते हैं, हाल ही में नासा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर आए थे बिल नैनसन, और वो इसरो भी गए और अपने पुराने मित्र राकेश शर्मा से भी मिले। तो जानेंगे पूरा डिटेल में कि वहाँ क्या क्या बातें हुई और इंडिया यूएस स्पेस में क्या क्या करने वाला है आने वाले समय में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। मैं वीडियोस को बहुत शॉर्ट रखता हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। तो जब नासा के चीफ बिल नेल्सन इंडिया आए तो वो इसरो गए और इसरो में वहाँ पे बात छिड़ी कि आने वाले समय में नासा चाहता है कि वो किसी इंडियन एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजे और इसमें वो इंडिया की मदद करेगा, ट्रेनिंग भी देगा। फिर वहाँ जो हमारे इसरो चीफ हैं उन्होंने बोला कि आप ट्रेनिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट को ही मत दीजिए, साथ में जो पूरी टीम है जो हैंडल करती है सपोर्ट स्टाफ उनको भी दीजिए, जैसा कि जो हैंडल करते हैं उनको मेडिकल सपोर्ट वाले, कंट्रोल ऑपरेशंस वाले, उन सबको भी ट्रेनिंग दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले फ्यूचर में जब हम खुद से मैन स्पेस मिशंस करेंगे तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस रहेगा। तो अभी ये सब बातें चल रही हैं और लगभग लगभग लग रहा है कि नासा बिल्कुल रेडी है और कोशिश की जा रही है कि 2024 के एंड आते आते किसी ट्रेंड बंदे को ISS तक भेज दिया जाएगा। तब तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 2023 अब ख़त्म ही हो गया है, एक साल के अंदर अंदर में ये चीज़ हो जाएगी। ये जो सिलेक्ट करेगा एस्ट्रोनॉट को, इंडियन एस्ट्रोनॉट को, वो इसरो ही करेगा और उनको ट्रेनिंग भी इसरो ही कराएगा। हालांकि ट्रेनिंग नासा में जाके होगी बट सिलेक्शन इसरो करेगा, ठीक है। लास्ट टाइम कोई इंडियन हमारे जो स्पेस में थे वो थे हमारे विंग कमांडर राकेश शर्मा जो 1984 में थे। और आप मानो कि जो नासा के चीफ हैं बिल नेल्सन, वो राकेश शर्मा के बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने बताया कि वो बहुत सालों बाद मिलेंगे राकेश शर्मा से, पहले उनसे हालांकि उनसे बात फ़ोन पे करते रहते हैं बट वो कह रहे थे कि वो उनसे बहुत सालों बाद मिलेंगे। फिर अगर हम बिल नेल्सन की बात करें तो बिल नेल्सन एक ऐसे अभी सेनेट, वो फॉर्मर सेनेट भी रह चुके हैं, है ना। तो वो एक ऐसे सेनेटर रह चुके हैं जो कि स्पेस स्टेशन में दो बार जा चुके हैं, है ना। वो पहले एस्ट्रोनॉट भी थे और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया, अभी इंडिया मैंने दो बार देखा है, पहली बार जब इंडिया मैंने देखा था तो वो स्पेस से देखा था। तो वो अपना शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंस। और बहुत ही जल्द 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ही इंडिया सैटेलाइट और नासा और इसरो मिलके एक सैटेलाइट बना रहे हैं जिसका नाम है निसार। आप निसार के फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। इससे क्या करेंगे कि हम जो अर्थ है उसका पूरा डायनामिक व्यू ले पाएंगे कि सरफेस में कुछ चेंज होता है, लैंडमास में कुछ चेंज होता है, या फिर आपका जो ग्लेशियर्स वगैरह उनमें कुछ चेंज आ रहा है, आइसबर्ग्स पे कुछ चेंज आ रहा है, तो वो सारा का सारा हम नोटिस कर पाएंगे इससे, माइनूट से माइनूट चेंजेस, और उससे क्लाइमेट चेंज में काफ़ी मदद मिलेगी। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा था। और आर्टेमिस अकॉर्ड को लेकर की भी बात हुई, टोटल जो नेल्सन है उन्होंने बताया कि टोटल 32 नेशन अभी तक साइन कर चुके हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड ये है कि हम एक अकॉर्ड है जिसके तहत कि एक दूसरे की मदद करना है स्पेस में, पीसफुली पर्पस के लिए यूज़ करना है, रेस्क्यू करना है अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो, और इंटरफेयर नहीं करना है एक दूसरे के काम में। तो ये था पूरा का पूरा उनका एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया, और आने वाले टाइम में जो होने वाला है वो भी मैंने आपको बताया। और हो सकता है, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हम हो सकता है 2040 तक अपना स्पेस स्टेशन बना लें, तो उस चीज़ को भी लेकर बात हो रही थी कि अगर बिल नेल्सन कह रहे थे कि अगर इंडिया चाहता है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाने में, अगर इंडिया चाहे तो, अगर वो खुद का बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर इंडिया चाहे तो हम उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात भी रखी। तो ये पूरा एक टॉपिक था जो बिल नेल्सन के इंडिया आने पे हुआ था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक को लेकर के,
तीन चार बातें इसमें हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।